हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टिकटॉक यूजर के कुछ गलतियों के बारे में। जैसा कि आपको पता है, टिकटॉक यूजर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं और टिकटॉक पे वीडियो बनाता है, लेकिन क्या होता है जब उनके टिकटॉक वीडियो पे लाइक एंड व्यूज नहीं आता है। वो कुछ ऐसे गलती कर बैठते हैं जिसकी वजह से उनको आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है। तो हम आज बात करने वाले हैं टिकटॉक यूजर के कुछ गलतियाँ के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है, टिकटॉक पे प्रत्येक दिन कोई ना कोई वीडियो काफी तेजी से वायरल होता रहता है। जैसे कि आपको पता है, इससे पहले गणेश भाई वायरल हुए थे, इसके बाद रेणु मंडल भी वायरल हुए थे टिकटॉक के बदौलत ही, और इसके बाद आपको नैन्सी मोमो लैंड हुए। लोगों क्या गलती कर बैठते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति वायरल होता है, उनका वीडियो हम लोग अपने टिकटॉक आईडी पे अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के बाद हमारे टिकटॉक आईडी पे काफ़ी ज़्यादा लाइक एंड व्यूज आ जाता है, अब फॉलोवर भी यहाँ पे बढ़ जाता है। हम लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी और की वीडियो हम अपने टिकटॉक आईडी पे अपलोड करते हैं तो हमारे वीडियो पे लाइक एंड व्यूज तो बढ़ जाता है, लेकिन हमारा यहाँ पे फेस वैल्यू क्रिएट नहीं होता है, क्योंकि हम जिस व्यक्ति का वीडियो अपलोड करते हैं टिकटॉक पे, उन व्यक्ति का फेस वैल्यू क्रिएट होता है। तो आपको ऐसा गलती नहीं करना है। यदि आप ऐसा गलती करते हैं तो आपको क्या नुकसान होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं, कोई भी लड़का या लड़की टिकटॉक पे वायरल होता है तो ये जो वायरल जो होता है 4 दिन 5 दिन के लिए ही वायरल होता है, जो ट्रेंड में चल रहा होता है। जैसे ही ट्रेंड खत्म होगा तो इसके बाद आप किसका वीडियो अपने टिकटॉक आईडी पे अपलोड करेंगे। अगर अपलोड करते हैं आपके वीडियो पे लाइक आ भी सकता है, ना भी आ सकता है, लेकिन आपके वीडियो पे लाइक एंड व्यूज नहीं आता है तो आप लोग वीडियो अपलोड करना बंद कर देंगे और आप लोग डीमोटिवेट हो जाएंगे, क्योंकि टिकटॉक नहीं चाहता कि किसी और के वीडियो आप अपने टिकटॉक आईडी पे अपलोड करें, क्योंकि इसकी गलतियाँ के कारण से आपको स्टार्टिंग में तो लाइक एंड व्यूज आ जाएंगे, लेकिन 6 से 7 दिन के बाद आपका अकाउंट जो है फ्रीज हो जाएगा, आपके टिकटॉक अकाउंट में लाइक एंड व्यूज नहीं आएगा। तो आप लोगों को बिल्कुल ऐसा नहीं करना। किसी और करेंगे तो आपके टिकटॉक वीडियो पे खुद का भी वीडियो यदि आप अपलोड करेंगे बाद में, तो आपके वीडियो पे लाइक एंड व्यूज नहीं आएंगे, क्योंकि तो आपके अकाउंट जो है फ्रीज हो जाएगा, और उस अकाउंट को अनफ्रीज करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे टिकटॉक यूजर है जिसके फैंस की बात किया जाए तो मिलियन में है, लेकिन आपको यहाँ पर लाइक एंड व्यूज आपको 500-600 देखने को मिल जाता है। क्योंकि ये जो फिलहाल में ही एक लड़की तमिल सॉन्ग पे डांस किया था और उसका वीडियो टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, और उसका वीडियो आपको फॉर यू पेज अगर चेक करते हैं आप, तो आप परसेंट से लेकर 80% वीडियो आपको उसी लड़की को देखने को मिल जाता है। लोग यहाँ पे गलती कर बैठे हैं, किसी और का वीडियो डाउनलोड करने के बाद अपने टिकटॉक आईडी पे अपलोड कर रहा है, इससे आपका ही नुकसान है, आपका यहाँ पे फेस वैल्यू नहीं हो रहा है। जिस लड़की का या फिर जिस लड़के का आप वीडियो अपलोड करेंगे, उस लड़के या लड़की का फेस वैल्यू बढ़ जाएगा। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं, उस लड़की के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता है उसके बारे में आप बता सकते हैं, तो इस तरह से आपका भी फेस वैल्यू बढ़ सकता है, उस लड़की के माध्यम से आपको लाइक एंड व्यूज बढ़ सकता है। प्लीज़ किसी और के वीडियो अपने चैनल पे अपलोड मत करना, नहीं तो आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सैलेंस चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।